धर्मशाला तपोवन में पांचवें दिन प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से चला। प्रश्नकाल के बाद तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुए। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इसी बीच उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम 2019 प्रस्तुत किया, जिस पर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज किया। तपोवन में पांचवें दिन प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से चला। प्रश्नकाल के बाद तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुए। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इसी बीच उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं प्रचालन सरलीकरण विधेयक 2019 प्रस्तुत किया, जिस पर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज किया। विपक्ष के साथ CPIM के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा ने भी विरोध दर्ज किया व सदन से बैक आउट कर दिया। विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल पारित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि इससे हिमाचल में पूंजीवादी जमीन खरीदेंगे। विपक्ष हिमाचल ऑन सेल की जो बात करता रहा है वे साबित हो रही है। विपक्ष इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। हम क्या कह रहे हैं, नंबर वन ये कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी में लाया। कोई भी कानून इस देश में ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी भी कानून को सुपरसीड करे। इट कैन नॉट बी अलाउड। हर कानून का अपना महत्व होता है, लेकिन ये कानून सब कानून को सुपरसीड करने की अनुमति क्या कहते हैं देता है, एक बात। नंबर दो बात क्या है, नंबर दो बात है, आपने पहले भी 2000 में कानून लाया और जल्दबाजी में लाया। आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट की 163A को शामिल किया, उसको संशोधित किया, जिसके तहत 163,000 लोगों ने जमीन अप्लाई की। आज क्या हो गया, उनका सारे के सारे वो किसान आज ऐसा हालात हो गए हैं, उनकी बेदखली हो गई है, सेब के पेड़ कट गए हैं, मकान टूट गए हैं। आज आप ये कानून लाकर जब आप पहले से ये अनुमति दे देंगे, जो वॉयलेशन बाद में हो जाएगी वो फंदा अमनी बन जाएगा फांसी का उनके लिए। तो इसलिए हमारी, मैं जो कह रहा हूँ कि आप इसको जल्दबाजी में ना कहो और जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा है सिलेक्ट कमेटी में जाए। एंड यस, शक होता है जब इतनी जल्दी में आप करना चाहते हैं, आपका एजेंडा कुछ और है। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बेवजह इस पर हल्ला कर रहा है। इस बिल से हिमाचल के लघु एवं मध्यम उद्योगों को फायदा मिलेगा। विपक्ष ने पहले इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की, अब जब सदन में बिल रखा तो विपक्ष हल्का कर रहा है। इस बिल से न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मैं देखता हूं कि बहुत विचित्र परिस्थिति है। जब भी कोई बिल जिस्मानी सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके लिए निर्धारित तारीख हो जाती है, इस तारीख को इस बिल पर चर्चा होगी और इसका पारण होगा। नियम के अनुसार व्यवस्था यह है कि जब बिल में किसी को लगता है कि हमको उसमें कुछ अमेंडमेंट देनी है, कुछ संशय है, कुछ बातों को स्पष्टीकरण मांगना है, तो उसमें अमेंडमेंट मूव की जाती है और अमेंडमेंट मूव करके स्पीकर को लिख करके दी जाती है। बिल प्रस्तुत होने के बाद इन्होंने कोई इस प्रकार की प्रक्रिया की नहीं, और जब बिल आज पारण के लिए जो है वो डिस्कशन के दौर में से गुजर रहा था, जब माननीय अध्यक्ष मोदी जी ने कहा कि इसमें बिल पर विचार किया जाए, तो विचार करने के लिए उन्होंने कहा अध्ययन नहीं किया था। जानकारी के अभाव में बहुत सारी बातें ऐसी कहने लग जाते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल पर बड़ा स्पष्ट है, ये बिल जो है बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है। हमने कहा कि MSME यानी कि छोटे और लघु उद्योगों के लिए है, और उनमें कौन लोग होते हैं, उनमें वो लोग होते हैं जो अपना काम धंधा छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, और वो छोटे लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग हमारे होते हैं, उसकी NOC का चक्कर इतना लंबा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें पांच साल, चार साल जो है औपचारिकताओं में पूरा लग जाता है, पूरा करने में लग जाता है। हमने उसका सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से उसको जो है सरल और उसके साथ जल्दी वो अपनी डेक्लेरेशन दे और डेक्लेरेशन के बाद काम शुरू करे, और काम शुरू करने के बाद अगर डेक्लेरेशन गलत दी है तो उसमें उसको दंडित करने का कानून के अंतर्गत जो प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन उसमें अवेलेबल है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अध्ययन नहीं की थी, स्टडी नहीं की थी, उन पर उन्होंने बोलना शुरू किया।